हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूकेजी क्लास का मैथ पढ़ाऊंगी। आप सब मैथ की बुक ओपन कीजिए। ओपन योर मैथ बुक। अपने अपने बैग से मैथ की बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 21 ओपन कीजिए। ओपन पेज नंबर 21। ओके, राइट द नंबर्स बाय काउंटिंग फॉरवर्ड एज सून, यानी फॉरवर्ड यानी आगे की संख्याएं, जो संख्या दी गई हैं उनसे आगे की संख्याएं जब हम लिखते हैं, चाहे वो 4 संख्याएं हो, 5 संख्याएं हो, 6 संख्याएं हो, जितनी हमसे मांगी गई हैं हमें उतनी संख्याएं लिखनी होती है, उन्हें कहते हैं हम फॉरवर्ड काउंटिंग या फॉरवर्ड नंबर्स। ओके, अब देखिए जैसे 5 दिखाया गया है, 5 के बाद आपको फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 4 कितनी लिखनी है, 4। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9 लिखी है हमने। ऐसे ही हम 23 की फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे, 23 की फॉरवर्ड काउंटिंग लिखेंगे हम ऐसे ही। 23 के बाद क्या आता है, 24। 23 के बाद आता है 24। 24 के बाद क्या आता है, 25। 24 के बाद कितना आता है, 25। 25 के बाद आता है 26। 25 के बाद कितना आता है, 26। 26 के बाद आता है 27। ओके, नोट कीजिए अपने अपनी बुक में, अपनी अपनी बुक में नोट कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट करनी है 44। 44 के बाद क्या आता है, 45। 44 के बाद क्या आता है, 45। हम यहाँ पर 45 नोट करेंगे। 45 के बाद आता है 46। 46 यहाँ पर हम 46 नोट करेंगे। 46 के बाद आता है 47। 46 के बाद आता है 47। 47 नोट करेंगे हम यहाँ पर। 47 के बाद आता है 48। हम यहाँ पर 48 नोट करेंगे। ओके, नोट कीजिए अपनी अपनी बुक में। अपनी अपनी बुक में नोट कीजिए। नोट, ओके। अब आता है हमारा 65। 65 के बाद क्या आता है, 66। 65 के बाद आता है हमारा 66। 66 के बाद आता है हमारा 67। 67। 67 के बाद आता है 68। 68। 68 के बाद आता है 69। 68 के बाद क्या आता है, 69। ओके, देखिए
नोट कीजिए अपनी अपनी बुक में। जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं वैसे ही हम फॉरवर्ड यानी आगे की संख्याएं जैसे लिखते हैं हम फॉरवर्ड काउंटिंग, उसी प्रकार से हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग में यानी पीछे की संख्याएं, बैकवर्ड काउंटिंग यानी पीछे की संख्या लिखते हैं। जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हैं संख्या से आगे की संख्या, ऐसे ही हम बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं संख्या से पीछे की संख्या। ओके, देखिए राइट द नंबर्स बाय काउंटिंग बैकवर्ड एट फोर। पीछे की दिए गए नंबर से पीछे के नंबर लिखिए। जैसा 14 से पहले क्या आता है 13, 14 से पहले क्या आता है 13, 13 से पहले फिर बाद में क्या आता है 13 से पहले बाद में नहीं पहले क्या आता है 12 से पहले क्या आता है 11, 12 से पहले क्या आता है 11 से पहले आता है 10, 11 से पहले आता है 10। ओके, उसी प्रकार से 35 है, 35 के बाद क्या आता है पहले क्या आता है 34, 35 से पहले आता है 34, 34 से पहले आता है 33, 34 से पहले क्या आता है 33, 33 से पहले क्या आता है 32, 33 से पहले क्या आता है 32, 32 से पहले क्या आता है 31, 31। नोट कीजिए अपनी अपनी बुक में। अपनी अपनी बुक में नोट कीजिए। इसी प्रकार से 56 से पहले क्या आता है 55, 56 से पहले आता है 55, 55 से पहले आता है 54, 55 से पहले आता है 54, 54 से पहले आता है 53, 54 से पहले आता है 53, 53 से पहले आता है 52। ओके, नोट कीजिए। ओके, ऐसे ही 76 से पहले क्या आता है 75, 76 से पहले क्या आता है 75, 75 से पहले 74, 74 से पहले 73, 73 से पहले 72, 73 से पहले 72। ओके, आज मैंने आपको बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग बताई है। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है।
नीट एंड क्लीन घर से करके लेके आना होमवर्क में, ओके। ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा? ओके नाइस, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको बैकवर्ड काउंटिंग और फॉरवर्ड काउंटिंग, आपको ये वाला पेज नंबर आपको होमवर्क में करके लेके आना है। और राइटिंग आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी एकदम राइटिंग, क्योंकि अच्छी राइटिंग सबको अच्छी लगती है ना, इसलिए हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन राइटिंग में सब बच्चे अपना अपना होमवर्क करके लेके आएंगे। सुंदर 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 वर्ड्स बनाना, ओके बेटा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।